राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी के साथ अरवी के पत्ते की फोल्ड करने वाली, यानी कि जो रोल लोढ़ा बना करके जिसकी पकौड़ी बनाई जाती है, उस वाले तरीके की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए और क्या क्या स्टेप्स हैं सब कुछ बताऊंगी। वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लोढ़ा बनाया जाता है कैसे अरवी के पत्ते का, वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ आज। इसके लिए सारे मसाले तैयार कर लेते हैं पहले। सबसे पहले एक प्याज लेंगे, साथ में 10 से 15 कम से कम लहसुन की कलियाँ बड़े बड़े साइज की लेंगे। इसी के साथ मैंने यहाँ पर कुछ और मसाले ऐड किए हैं जिससे कि इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। साथ में यहाँ पर मैंने थोड़े से मिर्च ऐड किए, लगभग 6 से 7 मेरे पास सूखी मिर्च थी तो मैंने वही ऐड किया। आप हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में 1 चम्मच जीरा, आधी चम्मच काली मिर्च और 2 बड़े चम्मच सरसों। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। मैंने यहाँ पर 15 से 20 पत्तों के लिए ये सारे मसाले तैयार कर रही हूँ। इसी के साथ 1 चम्मच यहाँ पर मैंने धनिया लिया हुआ, साबुत धनिया। साथ में 1 चम्मच गरम मसाला ऐड किया और आधी चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इन मसालों को हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी हमें इस्तेमाल नहीं करना, बस पानी में थोड़ा सा डाल करके और अच्छे से पीस लेना है जिससे कि अच्छे से बिल्कुल मोटा सा पेस्ट बन करके रेडी हो जाए। देख सकते हो आप लोग, सूखा ही रहे। इस तरीके का हमें एक सूखा सा ही पेस्ट बना करके रेडी करना है। देख रहे हो आप लोग, बिल्कुल भी पानी नहीं है और बिल्कुल अच्छे से मसाले भी बिल्कुल पीस गए हैं। तो बस चलिए, मसाले हमारे पीस करके रेडी हो गए हैं, इन्हें ढक करके रख देते हैं। चलिए और बाकी की तैयारियाँ कर लेते हैं। इसके बाद से मैंने यहाँ पर नाप करके 1.5 कप बेसन लिया हुआ है। तो बेसन आप अपने हिसाब से, क्वांटिटी जैसी भी रहे उस हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1.5 कप पहले बनाया हुआ था। इसके बाद से मेरे पास टोटल 20 पत्ते थे तो बनाने में मुझे पूरा का क्या कहते हैं कि लग गया था 3 कप बेसन। इसी के साथ जो हमने मसाले पीस के रखे हुए थे वो मसाले ऐड करेंगे। साथ में ही यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लेंगे और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मसालों में से 2 बड़े चम्मच मसाले लिए हुए थे और इस तरह से करते हुए मैंने जब 3 कप बेसन इस्तेमाल किया हुआ था तो टोटली मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा का सारा मिक्सचर इसमें डाल लिया हुआ था मसालों वाला। उसके साथ में मैंने इसकी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई हुई है। अगर आप इससे पत्ते की ना ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। पानी डालते हुए इस तरह से एकदम मोटा गाढ़ा और सा हमें मिक्सचर बना करके रेडी कर लें। यहाँ पर मेन चीज़ यही है कि आपका जो बेसन का घोल है वो इस तरह से बिल्कुल थिक होना चाहिए। इसके बाद इसे साइड में रख देते हैं। अरवी के पत्ते ले लेंगे। हमारे वहाँ 2 तरह के पत्ते होते हैं, बिलायती वाले और देसी वाले। जो बिलायती पत्ते हैं उन्हें बनाने पर ना गले में खुजली नहीं करती है और वो गर नहीं काटते हैं, और जो दूसरे वाले पत्ते होते हैं उन्हें बनाने पर वो क्या कहते हैं गले में खुजली होने लगती है, खराश होने लगती है। तो ऐसी दिक्कत ना हो इसलिए क्या करना है मैं वो भी आपको आज बताऊँगी। इसके लिए क्या करना है, फिर हमें अरवी के पत्ते ले लेने हैं। इस तरह के बड़े बड़े साइज़ के अरवी के पत्ते हैं, डंठले मोटी मोटी हैं तो डंठलों को काट लेंगे और साथ में इसकी जो नसें हैं किनारों की वो भी मोटी हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे चाकू की हेल्प से ज़्यादा मोटी नसें होंगी उन्हें हम इस तरह से हल्की हल्की करके काट करके निकाल करके अलग कर देंगे। तो इस तरह से अगर आपके अरवी के पत्ते बड़े बड़े साइज़ के हैं तो उनकी सारी नसें अगर मोटी हैं तो उन्हें धीरे धीरे कट करके निकाल दीजिएगा, क्योंकि वरना वो फोल्ड करने के टाइम फट जाएंगी। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। इस तरह से मैंने यहाँ पर लगभग 15 से 20 पत्तों का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर छोटे साइज के पत्ते हैं तो बस इस तरह से धीरे से इनकी डंठल को ऊपर वाले जो है उसे कट कर लीजिए, और इस तरह से नसें इसकी पतली हैं तो इन्हें कट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कट हो गई हैं। पत्तों को अच्छे से धो करके 2 से 3 बार पानी से धुल लीजिएगा, फिर इनका एक्स्ट्रा पानी जो है उसे निकाल लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1 फोल्ड बनाने के लिए लगभग 6 से 7 पत्तों का इस्तेमाल किया हुआ है। देख सकते हो आप लोग, पूरे बड़े बड़े साइज़ के पत्ते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम पत्ते को इस तरह से उल्टी साइड से, जो नसें होती है ना उस साइड से रखेंगे, और जो हमने मसाला बना करके लिया हुआ है इस मसाले को इस तरह से हाथों से ले लेंगे। देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा ये थिक है मसाला, जितना ज़्यादा थिक होगा उस तरह से बिल्कुल गोंद की जैसा यहाँ पर काम करेगा। बस इस तरह से उंगलियों से धीरे धीरे यहाँ पर हमें फैला देना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूरे पत्ते पर हमें अच्छे से मसालों को लगा देना है। बेसन का जो घोल हमने रेडी किया हुआ मसालों वाला, इसे अच्छी तरीके से इस पूरे के पूरे पत्ते पर फैला देना है, कोनों तक अच्छे से बिल्कुल फैला दीजिएगा, जिससे कि इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और हाँ, यहीं पर मैं बता दूँ कि अगर आप देसी पत्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी गर काटने वाले जिनसे खाने में खुजली होती है, तो जब मसाला आप पीस रहे हो तो उसमें 3 से 4 कम से कम खटाई डाल दीजिए, यानी आम का अचार जो होता है। खटाई की वजह से क्या होता है कि जो गर काटने वाले पत्ते होते हैं यानी जिनकी वजह से गले में खुजली होती है तो खुजली होना बंद हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं होती है और आराम से बिल्कुल खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, दूसरे पत्ते को जस्ट उसके अपोजिट रखा हुआ, देख सकते हो आप लोग, कोने वाली साइड को उस तरफ और दूसरे वाले पत्ते को इस तरफ। इसी तरह से हमें दोनों पत्तों को उलट पुलट करते हुए एक दूसरे के अपोजिट में रखते हुए सारे मसालों को लगा देना है। हल्का हल्का तो चिपका दीजिएगा, बहुत अच्छे से आपस में चिपक जाएंगे। देख रहे हो आप लोग, इस तरह से अपोजिट करते हुए धीरे धीरे हम एक एक पत्तों को यहाँ पर रख लेंगे।
लगाएंगी और फिर इसी तरह से मसालों को लगाते जाएंगे। इस तरह करते हुए लगभग 6 से 7 पत्तों को मैंने अच्छे से एक दूसरे के ऊपर लगा लिया हुआ है। नीचे वाला जो पत्ता रहेगा वो सबसे बड़े साइज का रहता है और इस तरह से धीरे धीरे छोटे 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 पत्ते रहते हैं उन्हें अंदर की तरफ हम लगाते जाएंगे। किनारों की तरफ हम हल्का सा इस तरह से बराबर मसाले लगा लेंगे और इस तरह से हल्के हल्के हाथों से चिपका देंगे। देख रहे हो आपको बिल्कुल गोंद के जैसे चिपक जा रहा है। यहाँ पर जो हमारा बेसन का घोल होता है ना एकदम गोंद के जैसा ही काम करता है। देख रहे हो आप कितनी आसानी से ये चिपक गया। बस इसी तरह से किनारों को पत्तों को भी धीरे धीरे हम फोल्ड करेंगे और इन्हें भी आपस में इस तरह से चिपका देंगे। और देखो ये भी कितने आसानी से चिपक गया। हल्का हल्का यहाँ पर हम बेसन के घोल को लगा देंगे और इस तरह से धीरे धीरे हाथों से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर मोड़ते जाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हल्के हल्के हाथों से फोल्ड कीजिएगा और इस तरह से जब ऊपर की तरह लगभग थोड़ी सी स्पेस बचा होगा 4 से 5 अंगुल का, बस इस तरह से हम अच्छे से मिक्सर को ले लेंगे बेसन वाले और अच्छे से लगा देंगे। लगाने के बाद हल्के हाथों से धीरे धीरे इन्हें फोल्ड करेंगे और बहुत ही आसानी से ये चिपक जाएंगे। हल्का हल्का हाथों से गोल गोल कर दीजिएगा और लीजिए हमारा परफेक्ट बन करके रेडी हो गया है अरबी के पत्ते का लोढ़ा। हमारे वहाँ इसे लोढ़ा कहा जाता है। तो इस तरह से इसकी परफेक्ट तरीके से ये बन करके रेडी हो गया है। आपके वहाँ इसका क्या नाम दिया जाता है, क्या बुलाया जाता है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप इसकी किस तरह से बना करके सब्ज़ी या पकौड़ी खाना पसंद करते हैं वो भी मुझे बताइएगा। अच्छे से मैंने यहाँ पर सारे लोड़ों को बना करके रेडी कर लिया हुआ है। छन्नी वाली थाली ले ली हुई है। छन्नी वाली थाली में हम इस तरह से रख देंगे। आप चाहें तो इन्हें कट करके छोटे छोटे पीसेस में बना सकते हैं, बट अभी कट करेंगे ना तो पूरे फैल जाएंगे। तो इस तरह से मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो बिल्कुल फैलेंगे नहीं और अच्छे से बिल्कुल पकेंगे भी। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी भगवाने में 2 बड़े गिलास पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। साथ में छन्नी वाली थाली को अरबी के पत्तों के साथ इसके ऊपर रख दूंगी। 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। 10 मिनट के बाद आप सभी देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। आप एक बार इसमें कोई चाकू या तिल वगैरह डाल करके चेक कर सकते हैं कि अच्छे से पके हैं या नहीं। जब आसानी से इसमें चले जाएंगे समझ लीजिएगा ये पक गए हैं। बस इस तरह से इन्हें निकाल करके एक थाली में हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। और आराम से जैसे ही ये ठंडे हो जाएंगे बस इनके इंजॉय कीजिए। आप चाहें तो बस इसी तरीके से इन्हें खा सकते हैं या फिर आप इन्हें फ्राई करके भी खा सकते हैं। दोनों ही तरीक़ों से ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, बिना तेल के भी और तेल में भी फ्राई करके। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो बस इन्हें धीरे धीरे हम शेप्स में कट कर लेंगे। लगभग 1-1 इंच की दूरी रखेंगे और इस तरीके से धीरे धीरे इन्हें कट करके रेडी कर लेंगे सारे पीसेस को। इस तरीके से मैं आप सभी को दिखा देती हूँ कि अंदर की लेयर कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। बस अब हमें क्या करना है, इसी तरह से गर्मा गर्म तेल में इन्हें डाल देना है। तेल को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लेंगे और बस इन्हें उलट पुलट करते हुए दोनों तरफ से हल्का सा सेक लेना है, जिससे कि इनकी लेयर जो होती है ना और भी अच्छे से खुल जाती हैं। अब बिल्कुल खाने में क्रिस्पी और कुरकुरी लगती हैं। अगर आप इन्हें बिना तेल का खाना चाहते हैं तो बस कट करने के बाद गर्मा गर्म खा लीजिए, वैसे भी वो बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। इस तरह से मैंने हल्का सा इन्हें फ्राई कर दिया ताकि इनमें थोड़ा सा क्रंचीनेस आ जाए और खाने में स्वादिष्ट लगे। बस इस तरह से उलटपुट करते हुए थोड़े थोड़े तरीके से इस तरह से छोड़ देना है और थोड़ी देर में देखोगे आप कि दोनों तरफ से अच्छी से गोल्डन कलर आ गया है इनका। बस अब इन्हें क्या करना है, निकाल लेना है। लीजिए फिलहाल इन्हें किनारों की तरफ करते हुए सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकाल करके और इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरीके से सेम प्रोसेस के साथ सभी को हम अच्छे से तेल में डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए फ्राई होने देंगे। तो सारे के सारे अरबी के पत्ते के पकौड़े बन करके लीजिए रेडी हो गए हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगते हैं। मैं आप सभी को इस तरह से दिखा देती हूँ कि कितने ज़्यादा दिखने में टेस्टी लग रहे हैं। इनकी लेयर एक एक बिल्कुल खुल करके आई हुई है और इस तरह से परत दर परत ये खाने में बिल्कुल क्रिस्पी और कुरकुरे हो गए हैं। तोड़ करके भी दिखा देती हूँ कि कितने परफेक्ट तरीके से इनके लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। देख लो आप लोग, एकदम क्रंचीनेस और बहुत ही टेस्टी। तो लीजिए फ्रेंड्स, बनाइए और इन्जॉय कीजिए अरबी के पत्ते की इस तरह की रेसिपी। कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर से बता दीजिएगा। और अगर आप इसकी सब्ज़ी बनाना चाहते हैं ग्रेवी वाली, तो इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, अरवे के पत्ती की पकौड़ियाँ की सब्ज़ी। तो जाकर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मिलते ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।